अच्छा, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जो बनना चाहते हैं वो बनते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और हम इस वक्त कितना स्टडी करेंगे और फ्यूचर में आप लोगों को क्या क्या स्टडी करना है मज़ीद, क्योंकि ये वो शॉर्ट टर्म सा है ना इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो जो लॉन्ग कोर्सेज होंगे उसके अंदर आपको मज़ीद क्या क्या स्टडी करना पड़ सकते हैं, या आप खुद यूट्यूब से स्टडी करें तो आपको क्या क्या स्टडी करना चाहिए टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और टू बिकम अ वेबसाइट डेवलपर। अच्छा, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर या वेबसाइट डेवलपर, ये सब एक ही कीवर्ड के मल्टीपल नेम्स हैं, सबका एक जैसा मिलता जुलता भी नहीं है, वो हम बन कैसे सकते हैं, अभी हम इस पे आएंगे कि ज़रूरी क्यों है और वेबसाइट से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि वेबसाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें स्टडी करनी चाहिए 2024, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट कैसे बनती हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसको हम पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लाइफ साइकिल आएगा, लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है। डेफिनेटली हम आइडिया से शुरू करते हैं, उस आइडिया का लेसन किसी के जहन में आता है कि मेरे पास ये मेरी शॉप है, ये मेरा स्टोर है, या ये मेरी यूनिवर्सिटी है, या कोई भी उसकी मिल है, कुछ भी है, वो चाहता है कि उसको डिजिटलाइज कर दे या उसको उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले किसी के जहन में आइडिया आता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, उस आइडिया की बेस के ऊपर हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, मतलब कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, या इसमें हम क्लैरिटी डिफाइन करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली ये सेपरेट रोल होता है, आइडिया तो डेफिनेटली जो ओनर है उसके जहन में ही आएगा, जो चीज़ को ऑन करते हैं उसके जहन में आइडिया आएगा, और रिक्वायरमेंट जो हैं वो और रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं जिनका काम होता है इनका काम ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना। सही है। अच्छा, अब इस रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीज आती है डेट इज कॉल्ड डिजाइन। इस आइडिया तो सिंपल उसके माइंड में होता है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, रिक्वायरमेंट के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं डेट इज कॉल्ड SRS, और डिजाइन की फाइल बनती है, और नॉर्मली ये डिजाइन फाइल हम फिग्मा में बनाते हैं, तो इसको मैं फिग्मा डिजाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसको कौन लोग करते हैं, डिजाइनर्स, नॉर्मली हम इनको UI वेब्स डिजाइनर बोलते हैं। सही, UI UX का मतलब क्या होता है कि मेरे जहन में एक आइडिया आया, उसकी एक रिक्वायरमेंट लिखी गई जो कि डॉक्यूमेंट होता है वर्ड की तरह का, उसको हम SRS बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन किया गया कि लॉगिन पेज होगा, यूजर ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये कुछ होगा इस तरह से, जस्ट लाइक फेसबुक का हमारे जहन में आइडिया है, हमने प्लान किया कि लोगों की प्रोफाइल्स होंगी, लोग पोस्ट कर सकते हैं, किसी को कमेंट कर सकते हैं, किसी को लाइक कर सकते हैं, किसी के जहन में आइडिया अपीयर हो,
फिर उसका एक डॉक्यूमेंट बन गया कि ठीक है हम ये काम करेंगे, डेट इज कॉल्ड एसएलएस। अब उसकी इंस्पायरेशन बनती है कि फेसबुक ब्लू कलर की होगी। अब ये किसी ने सोचा है कि ब्लू कलर की होगी फेसबुक, रेड की नहीं होगी, येलो की नहीं होगी, ब्लू कलर की होगी। लाइक का कलर ये होगा, लाइक भी कर देंगे तो इस तरह से होगा, कमेंट इस तरह से नजर आएंगे, फेसबुक की पोस्ट सेंटर में नजर आएगी, तो डेट इज कॉल्ड यूआई यूएक्स। उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, लोग उसको कैसा देखेंगे, तो ये स्पेसिफिक फील्ड है जो ये काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। ये हमारा काम है। अभी तक लाइफ सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में हमारा काम नहीं आया, ये और टीम्स हैं जो ये काम सारे परफॉर्म करेंगे। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट इससे आगे हमारा रोल शुरू होता है, क्या हम इस डिजाइन को पकड़ेंगे जो डिजाइनर ने डिजाइन किया है, और इसका हम क्या करेंगे, इसको हम कोड करेंगे इसका, और ये काम कौन करता है, डेवलपर। और इसमें हम मतलब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे कि इसमें हम क्या क्या काम करेंगे। आइडिया ओनर के जहन में आया, देन हमने उसकी रिक्वायरमेंट डिफाइन की। हमने इसकी रिक्वायरमेंट की, आइडिया या रिक्वायरमेंट्स की डिजाइन बना, कोड हुआ। अच्छा, कोड होने के बाद क्या हुआ कि हम इसको, डेवलपर ने जब कोड कर दिया, कोड इज समथिंग के चलती हुई शक्ल, मतलब जो हम बनाना चाहते हैं, डिजाइन उसकी जस्ट इंस्पायरेशन है ऑन समथिंग पेपर। लाइक अगर हम कहें कि हमने एक नई बिल्डिंग बनानी है, गैलरिया बनाना है, ये हमारे जहन, किसी के जहन में आइडिया है, वो ये चीज है, ये स्टेज है, इसी ने सोचा कि गैलरिया बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, उसमें शॉप्स होंगी, ब्रांड्स होंगे, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, किसी के जहन में इंस्पिरेशन आ जाए, फिर उसने, किसी ने उसको लिखा है ऑन पेपर कि हम बाकी में ये काम करेंगे, उसमें ये कुछ होगा, उसकी बजटिंग निकली, इसके सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स। फिर किसी ने उसको डिजाइन किया, उसका आर्किटेक्चर के वो फ्रंट से इस तरह से नजर आए, उसका व्यू, उसकी पिक्चर बनाई, एंड दैट वाज नॉट अ रियल बिल्डिंग, दैट वाज जस्ट अ पेपर जिसके ऊपर उसको कैसे नजर आएगा वो डिफाइन किया गया। देन किसी ने उसको, किसी मिस्त्री मजदूर ने उसको बनाया, उस पिक्चर को रियलिटी में कन्वर्ट किया, जो कि एक्चुअल बिल्डिंग थी, एक्चुअल मॉल था। सही। तो वो काम, जिस तरह जो मिस्त्री मजदूर का काम है, जो एक्चुअल में हम चीज बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल में जब हम एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम डेवलपर बोलते हैं। तो डिजाइन इज समथिंग की जो बिल्डिंग का हमने इंस्पायरेशन बनाई, जिसको हम कहते हैं नक्शा पहले, या उसका 3D इंटरफेस की वो कैसा नजर आएगा, और SLS जस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, और आइडिया जस्ट जो किसी के जहन में आया, ऐसे ही होगा ना टेक्निकली। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उसका भी ऐसे ही कुछ होगा, किसी के जहन में आइडिया आएगा, कोई उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखेगा, फिर उसका डिजाइन बनेगा, लेकिन डिजाइन डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ऑन पेपर होता है, आर्ट चलती है, कोई एक्चुअल चीज नहीं होती। फिर उसकी एक्चुअल बिल्डिंग बनेगी, एक्चुअल चीज बनेगी थ्रू डेवलपमेंट या कोड। अच्छा, फिर वो यूजर्स के पास जाएगी, जिसको हम कहेंगे, आप लोगों की जुबान में बोलो तो मैं उसको कर दूंगा, लाइव कर दिया हमने इसको, लोगों को एक्सेस दे दिया इस चीज की, या उसको हम, इसके लिए अक्सर वर्ड यूज होता है डेवऑप्स। सही है। तो ये काम जो है वो नॉर्मली डेवऑप्स इंजीनियर करते हैं। सही है। अच्छा, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट के बाद
अच्छा डिप्लॉयमेंट करेंगे देन उसकी सपोर्ट या मेंटेनेंस चलती रहती है, जैसे अगर कोई चीज खराब हो जाती है, कोई मोटर खराब हो गई, कुछ हो गया, तो उसकी मेंटेनेंस, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस, तो वो चलती रहती है। तो वो सपोर्ट इंजीनियर होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होते हैं टेक्निकल, लेकिन हम उसको सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर मैंने डिफाइन कर दी है लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी के जहन में आइडिया आएगा, देन रिक्वायरमेंट लिखी जाएगी, फिर उसका डिज़ाइन बनता है, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है या कोड लिखा जाता है, फिर वो डिप्लॉयमेंट होती है, देन उसकी मेंटेनेंस होती है। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल। अब टेक्निकली ये काम रिक्वायरमेंट इंजीनियर करेंगे क्योंकि हम नहीं करने आए, ये ओनर हमारा तो कोई आइडिया ही नहीं है, हम खुद ओनर कैसे हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी हम नहीं है क्योंकि हम उस रिक्वायरमेंट को गैदर नहीं कर रहे हैं, ये लिस्टेट नहीं कर रहे हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनर कि हम डिजाइनर तो बन ही रहे हैं, तो डिजाइनिंग भी हमारी फील्ड में नहीं आता है। वी आर हेयर डेवलपर जिसको मैंने बोल्ड किए, यानी कि हमें ये तीन स्टेप्स का काम हुआ हुआ मिलेगा तो हम अपना काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते हम। विदाउट आइडिया, विदाउट डिजाइन, विदाउट रिक्वायरमेंट हम उसको बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ये तीनों रिक्वायरमेंट होगी फुलफिल तो हम फिर ये अपना काम कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद भी हमारे पास दो चीजें और आती हैं, डेवऑप्स के डेवऑप्स इंजीनियर आता है और सपोर्ट इंजीनियर आता है। टेक्निकली वी कैन डू दैट, मतलब हम अगर ये हमें आ जाता है तो लेटर की स्टेजेस हमारे लिए करना निश्चित आसान है क्योंकि इट्स रिलेटेड टू आवर फील्ड। मुझे बात बिल्कुल नहीं आ रही, कोई जोर से बोलना पड़ेगा। सिग्मा, सिग्मा एफ, सिग्मा डिजाइन, ये एक वेबसाइट है जहां पे एक्चुअली डिजाइन बनते हैं। वेबसाइट के डिजाइन जो है ना वो इधर इस वेबसाइट पे बनते हैं। एक वेबसाइट है जिधर डिजाइन बनते हैं। That's why I wrote here a Figma design. अच्छा यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे, हम क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना ये सीखना चाहते हैं तो ये इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है। तो कोई एक बंदा ये कंप्लीट लाइफ साइकिल तो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे, आप देख लें ना कितने रोल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोल आ रहे हैं, 6 डिफरेंट लोग ये काम करेंगे तो काम होगा टेक्निकल। अगर आपने अच्छा काम करना, तो अगर नहीं करना तो फिर तो एक ही बंदा सब कुछ कर ले चुका तरीके से, तो वो एक लेटर से नहीं होगा, बट इन रियलिटी ये सब लोगों की जरूरत रहती है। अच्छा अब चूंकि हमारा रोल है हम डेवलपर बनना चाहते हैं या हम, अगर आप चूंकि हम टेक्निकल जुबान में बात कम करेंगे क्योंकि हम खुद डेवलपर नहीं है, तो डेवलपर क्या होता है आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये समझें गैलरी को अगर हम रीमाइंड करें, किसी ने आइडिया दिया, किसी ने डिजाइन किया कि वाइट बिल्डिंग होगी, ऐसे फ्रंट पे स्टेज चढ़ेगी, उसके ऊपर ये चीजें होंगी, पार्किंग ऐसे होगी, बेसमेंट ऐसे बनेगी, एंड सो ऑन। अब किसी ने उसको इंप्लीमेंट किया, उसको एक्चुअली भी कंस्ट्रक्ट किया, तो हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअल बनाना चाहते हैं उस चीज को, तो हमें कुछ पेपर में ड्रा हुआ मिलेगा जस्ट लाइक फिग्मा, और हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारी जॉब है एज ए डेवलपर, और ऐसा बंदा जो ये काम करता है उसको हम डेवलपर बोलते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में वर्ड डेवलपर यूज होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब डिफरेंट में आगे डेवलपर लिखा होता है। डेवलपर मीन द पीपल हु डेवलपिंग समथिंग, जो कुछ बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अब ये आइडिया जो बिल्ड कर रहे हैं उसका अपना भी आइडिया हो सकता है, उसका अपना भी डिजाइन हो सकता है, द थिंग इज कि वो किसी का भी हो सकता है। तो वी आर जस्ट डेवलपर जिन्होंने उसको डेवलप करना है, दैट्स व्हाई वर्ड डेवलपर है। तो हम डेवलप करने वाले लोग हैं या डेवलप करना चाहते हैं समथिंग। अच्छा इसके बाद हमारे पास लाइफ साइकिल आएगा, लाइफ साइकिल ऑफ डेवलपमेंट।
जो हम बनना चाहते हैं इसका लाइफ साइकिल क्या है। अच्छा, इसमें भी क्योंकि बनाना क्या है वो वेरी करता है। हमने प्लाजा बनाना है, घर बनाना है, मॉल बनाना है, सड़क बनानी है, रोड बनाना है, क्या बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, मतलब कितनी चीजें होती है, वेरी करता है। हर डेवलपर की एक अपनी स्पेशलिस्ट फॉर्म होती है कि वो क्या बनाना चाहता है। हम जो बनाना चाहते हैं, हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिस तरह वो मतलब हम रोड नहीं बनाना चाहते, हम घर भी नहीं बनाना चाहते, प्लाजा भी नहीं बनाना चाहते, हर डेवलपर एक स्पेशल चीज में स्पेशलाइज्ड होता है। तो हम इसलिए लाइफ साइकिल ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। द रीजन इज दिस कि हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अब ऐसे समझे जैसे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं कि मॉल बनाना है, प्लाजा बनाना है, रोड बनाना है, होम बनाना है, क्या बनाना है। इसी तरह सॉफ्टवेयर, हम वर्ड सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं जिसका मतलब है डिजिटलाइज करना समथिंग। अब इसके अंदर भी बहुत कुछ बनाना पड़ सकता है, डेवलपर तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, बट वी विल बी मोर स्पेशलाइज्ड इन वेबसाइट डेवलपर। तो इसलिए हम उसका लाइफ साइकिल अब डिस्कस करें, सही। अच्छा, वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसको हम तीन मेजर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसको तीन मेजर हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। हम तीन दायरे यहां पे ड्रा कर लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर, सही है। ऑल गुड। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए उसके तीन स्पेसिफिक रूल हैं, सही है। जैसे अगर एक बिल्डिंग बनानी होती है तो उसकी पहले उसके अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं। पहले हम उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका उसकी मतलब एक्चुअल में इंटीरियर होता है, फिर एक्सटीरियर होता है। तो मल्टीपल स्टेजेस हैं टू डिजाइन टू डेवलप समथिंग। तो इसी तरह हमारे पास वेबसाइट को बनाने के लिए तीन स्टेजेस हैं। अच्छा, स्टेज वन को हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अभी आप लोगों को ये वर्ड समझ नहीं आएंगे, बट फॉर नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी। बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये जस्ट फ्रंट एंड अगर मैं लिख दूं विल बी मोर क्लियर वर्ड, और बैक एंड और डेटाबेस। एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए तीन मेजर मॉड्यूल्स हमें चाहिए होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, सही है। अच्छा, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि फ्रंट एंड में हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, और हम इस वेबसाइट को भी कह देते हैं नेक्स्ट जेन वेबसाइट डेवलपमेंट। नेक्स्ट जेन मतलब नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट डेवलपमेंट। हम ओल्ड को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो फ्यूचर 2030 को डिस्कस करेंगे कि 2030 में वेबसाइट की डेवलपमेंट कैसे होगी, उसका रोड मैप क्या है। तो टेक्निकली तीन हिस्से तो उसमें भी होंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। अच्छा, फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले HTML5 से हम कोड करते हैं। अच्छा, उस HTML5 को कोड करके हम उसके ऊपर CSS3 से डिजाइन बनाएंगे। अच्छा, फिर हम TypeScript से TS ले लेते हैं, TypeScript से उसकी डिजाइनिंग करेंगे, सही। अच्छा, TypeScript के बाद हम मतलब अगर कोई नेक्स्ट जेएस की मतलब अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट बनाना चाहता है, नेक्स्ट जेएस 14 के साथ हम उसको डिजाइन दोबारा से मतलब उस पर उसको फाइन ट्यून करेंगे, एंड देन हम
अच्छा ये हमें चीजें जो है वो सीखनी पड़ेगी टू बिकम अ फ्रंट एंडर। अच्छा अगर कोई ये सारे काम कर लेगा ना, ये सारे काम जो तीनों चीजें हमने मेंशन की है इधर, अगर तो कोई सारे ये बंदा सारे काम कर ले तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकली नॉर्मल अपनी जुबान में फुल स्टैक डेवलपर। क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर। अगर किसी को ये तीनों आते हैं, अगर किसी को सिर्फ फ्रंट एंड आती है तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, किसी को बैक एंड आती है तो बैक एंड डेवलपर, किसी को डेटाबेस आती है तो हम उसको डेटाबेस इंजीनियर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर बोलते हैं। हाँ जी, उसके लिए चूंकि रोल है स्पेसिफिकली तो मिल जाती है। अगर सारी आती है तो फुल स्टैक बन जाता है बंदा, अगर सिर्फ फ्रंट एंड भी आ जाए तो काम चल जाए। अच्छा बैक एंड के ऊपर हम करेंगे Node.js करना चाहिए हमें, एंड देन थर्ड पार्टी कुछ Node.js है और कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं, AI इंटीग्रेशन हैं, फ्यूटिलिटीज हैं। तो इस तरह कुछ चीजें जो हमें बैकएंड के ऊपर टेक्निकली करनी पड़ती हैं और मल्टीपल कुछ और हो सकती है। तो डेटाबेसेस के अंदर MongoDB और PostgreSQL, इनमें से एक डेटाबेस हमें सीखनी चाहिए। उसके लिए तो शायद एक साल उस पे आ रहा है। नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और मिलते हैं जुलते कुछ और टूल भी हैं बैकएंड के अंदर। अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, बट कुछ मैंने लिख दिया टू अंडरस्टैंड वेरीफाई कि क्या करना चाहिए। जिसने बैकएंड में ज्यादा एक्सपर्टीज बनानी है वो ये टूल्स पे हाथ सीधा कर सकता है, जिसने फ्रंट एंड में बनानी है फ्रंट एंड के टूल्स मैंने मेंशन कर दिए और डेटाबेसेस भी मेंशन कर दिए हैं जो हम कर सकते हैं। टेक्निकली अगर हम ये सारा कुछ करते हैं तो फिर हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। अच्छा अब चूंकि हमारा ये कोर्स जस्ट इंट्रोडक्टरी है टू डिजाइन अ वेबसाइट, वो सिर्फ इसके अंदर से जो पहले दो टूल्स हैं HTML5 और CSS the how now, उससे हमारा ये गोल कंप्लीट हो जाता है। बट आप ये सोच सकते हैं इससे आप लोगों का गोल कंप्लीट नहीं होगा। इट्स जस्ट इन फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जस्ट अ फ्रंट लाइक फर्स्ट सीढ़ी है जिसके ऊपर आप चढ़ के इस पूरे स्टैक में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप इसे रियल फायदा उठाना चाहते हैं देन यू हैव टू बी स्टडी मोर एंड मोर एंड मोर टू ग्रिप ऑल ऑफ दिस टूल्स। उसके अलावा कोई और जरिया नहीं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ HTML5 और CSS से बहुत अच्छा कुछ मतलब गेन कर सकें। इट्स जस्ट अ लर्निंग का फर्स्ट पॉइंट है ताकि आप लोग कुछ नॉलेज आपके पास आ जाए, कुछ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बट इट विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो सीखने हैं, जो स्टडी करने हैं, जो अंडरस्टैंड करने हैं, तो उनको हमें फिगर इट आउट करना है कि कैसे हम ये स्टडी कर सकते हैं। तो बट बताऊं, लेकिन आप लोगों को मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कितनी सारी चीजों में से हम दो चीजें करेंगे, बट आपने रुकना नहीं है, आपने बाकी की सारी चीजें करनी है
to grip something, to build the next generation applications, to increase your knowledge, या to मतलब entering the market. उसके लिए आपको और बहुत सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा. मतलब आपने अगर आप इस चीज में आ रहे हैं जो आप आज से अभी एक दो महीने में सीखेंगे, अगर आप उस पर टाइम लगाएंगे, इन माई अंडरस्टैंडिंग ये आपको ये सब करना चाहिए टू गेन फ्रॉम दीज टू मंथ्स, फिर आपका गोल पूरा होगा. मतलब जो हम टाइम लगा रहे हैं, इट्स जस्ट एन फर्स्ट स्टेप टू एंटर इन द सीएस मार्केट, टू एंटर इन टू द आईटी. सो इट इज जस्ट फर्स्ट सीडीए, बट इट वॉन्ट बी स्टॉप. ये बहुत आगे जाएगा और इसमें हमें बहुत सारा कुछ स्टडी करना है. तो आपको मैंने थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी है ताकि आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ जाएं, कुछ चीजें आ जाएं कि हमें अभी रुकना नहीं है, बहुत कुछ स्टडी करना है ताकि हम एक अच्छा माइलस्टोन अपनी लाइफ में अचीव कर सकें. सही, द गोल विल बी बिकम अ नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट डेवलपर. फॉर दीज हमें इन सारे माइलस्टोन से गुजरना पड़ेगा, और अगर इन सारी चीजों से गुजरेंगे तो वी विल कवर ओनली दिस स्टेप इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. आइडिया है ना, अभी हम कितना मतलब अभी हम एक स्टेप के भी कुछ इनसे कवर करेंगे एंड देन वो पूरा स्टेप भी कर लें, देन सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल का एक स्टेप कंप्लीट होता है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स स्टिल नीडेड. तो मतलब आईटी में एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और उनमें से हमने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज किया है ताकि हम अपना हिस्सा डाल सकें या हम मार्केट के अंदर आ सकें. अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, why not this portion हमें करना चाहिए, but this is totally depends on your interest. हो सकता है कि कोई ये वाले मंथ्स लगा के एसटी में से इसे सीखे और बाकी की भी सारी चीजें सीखने के बाद डिसाइड करें साइट डेवलपमेंट उसके लिए नहीं, क्योंकि हर इंसान हर कुछ नहीं बन सकता है ना. अगर सब लोग एक ही काम करने लग गए ना दुनिया में, तो दुनिया स्टॉप कर जाएगी. दुनिया का साइकिल चलता कैसे है, कुछ लोग हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट चीजें करता है, पर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये चीज डाली है कि हम हर काम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हर बंदे के अंदर एक डिफरेंट कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक डिफरेंट इंसान है जो डिफरेंट तरह की इंसान मतलब एनर्जी और कैपेबिलिटीज रखते हैं. किसी के अंदर पढ़ाने की कैपेबिलिटीज है, किसी के अंदर कोडिंग करने की कैपेबिलिटीज होंगी, किसी के अंदर डिजाइन करने की होंगी, किसी के अंदर मिल्स बनाने की होंगी, किसी के अंदर कंस्ट्रक्शन की होंगी. हर इंसान ऐसा 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 उस जगह पे चला जाता है जो अल्लाह ताला उसे काम देना चाहते हैं. ये हमारे बिलीव है कि ऐसा ऐसा इंसान वहां चला जाता है जहां उसकी रोजी रोटी लिखी है, ये कहते हैं. तो बंदा ऐसा ऐसा वही कहता है जहां से उसको कदर है जो चीज उसके लिए बनाई गई. तो टेक्निकली ये सारा कुछ करने के बाद भी ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आप इसके लिए बने हैं या नहीं. अच्छा, कैसे ये कर सकते हैं कि आप इन्हें इतना टाइम लगा के आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, दो तरीके हैं. या तो हम खुद से डिसाइड कर लें, फैसला कर लें कि मैं ये करना चाहता हूं, मेरा दिल कहता है. अच्छा, उसका तरीका सिंपल ये है, अगर आपने बाकी फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, डॉक्टर में, कुछ में भी, आईटी में इंटरेस्ट है, आईटी की भी सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर लें. मतलब सब फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करें और फिर देखें किस में इंटरेस्ट बन रहा है, उसमें ज्यादा ग्रिप हासिल करें. अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन ट्रस्ट समवन जो ऑलरेडी मार्केट में है, क्योंकि उसकी बात तो ट्रस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि देयर विल बी हाई चांसेस कि आप भी ग्रो करें, क्योंकि वो ऑलरेडी पर्सन कुछ ना कुछ उसमें गेन कर रहा है. बट स्टिल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आपके अंदर आर्ट है, डिजाइन आता है, तो यू शुड गो फॉर डिजाइन. अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, यू कैन गो फॉर सपोर्ट इंजीनियर. देयर लाइक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं आईटी के अंदर. तो हमने कुछ स्पेसिफिक डिफाइन किए हैं यहाँ पे, उनमें से भी आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए. तो ये कोई किसी को नहीं बता सकता है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट बना है. आप मेरे पास आएंगे जो मैं खुद हूं ना, मैं कहूंगा आप वो बन जाए. आप किसी दूसरे बंदे के पास जाएंगे जो वो खुद होगा ना, वो आपको रिकमेंड करेगा वो बन जाओ. वो क्यों करेगा? क्योंकि उसने सारी सक्सेस वो करने से देखी है.
मतलब किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो यही कहेगा ना डॉक्टर बन जाओ, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे वो कहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, कि किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी वाले के पास जाएंगे वो कहेगा कि सब कुछ तो यही है। तो अल्टीमेट हर जिससे भी आप मशवरा लेंगे, जो बंदा जिस फील्ड का है वो आपको वो मशवरे देगा। तो अब आपने क्रिएटिविटी ये दिखानी है, सुननी सबकी है, करनी मर्जी है, मतलब जो दिल को अच्छा लग रहा है वो करना है, जो समझ में आ रहा है, जिसमें मजा आ रहा है, जिस काम में मजा आता है वही काम इंसान करे तो तरक्की होती है। तो जिस चीज में आपको घुटन फील नहीं हो रही है वो काम हमें करना चाहिए। तो टेक्निकली अब इस चीज का अंदाजा कैसे लगाएंगे, यू हैव टू स्पेंड सम ऑफ द टाइम, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में टाइम लगाएंगे, फिर एक चीज पे आप स्टक हो जाए उस पर आप स्टडी करें, देन यू विल बिकम दैट पर्टिकुलर पर्सन जो मार्केट की जरूरत है उसको आपको चाहिए। लेकिन जब आपको आइडिया हो जाए, लाइक इफ यू आर वेरी क्लियर यू विल बी बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन वेबसाइट, लाइक यू विल बी अ सॉफ्टवेयर वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो अब आपका पीर मेंटोर की बारी आती है टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर वेबसाइट डेवलपर। अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हैं देन मेंटोर की बारी आती है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट जनरेशन टूल टू यूज टू बिकम अ नेक्स्ट जनरेशन डिजाइनर। अगर आप रिक्वायरमेंट में जाना चाहते हैं तो पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि रिक्वायरमेंट आपके लिए है, और फिर आप डिसाइड करें कि फिर आपको मेंटोर की जरूरत है टू आइडेंटिफाई कि इस फील्ड के अंदर व्हाट विल बी द फ्यूचर, कौन से टूल ऐसे यूज हो रहे हैं जो फ्यूचर बना सकते हैं। तो क्लियर आपने होना है, देन जब आप क्लियर हो जाए फिर अपना रास्ता नहीं चेंज करना, एंड यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। लाइक आप डिसाइड कर लें कि 3 मंथ आई विल बी स्विचिंग एवरीथिंग, लेकिन आप करने के बाद आपने फैसला किया है आई विल बी अ क्या लेंगे वेबसाइट डेवलपर, अब आपने अपने आप को चेंज नहीं करना है, ऐसे तो फिर आप सारी जिंदगी चेंज ही करते रहेंगे तो बनेंगे कब। तो अब जब आप एक चीज डिसाइड कर लेंगे कि मैं वेबसाइट डेवलपर बनूंगा और वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए और मैंने क्लियर कर लिया दुनिया इधर से उधर हो जाए दैट इज माई इंटरेस्ट, यही मैं बनूंगा, जब आपने क्लियर कर लिया फिर आप उसके लिए स्टडी करें। फिर उस फील्ड के लोग जब देखे ना, जब आपको कोई बीमारी होती है तो पहले हम डायग्नोज करते हैं, मतलब मुझे मसला है, मेरे लेट्स सपोज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, तो द फर्स्ट आई नीड कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा व्हाट विल बी द बेस्ट डॉक्टर टू आइडेंटिफाई दैट मतलब डायग्नोज द थिंग। जब मुझे वो चीज मिल जाएगी देन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ये मुझे बीमारी है, वैसे मुझे शुगर है, देन आप मुझे कोई दिल के डॉक्टर तो नहीं फाइंड करना है ना, मुझे शुगर के रिलेटेड डॉक्टर फाइंड करने, क्योंकि अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो नैरो डाउन हो गई, आई हैव टू फाइंड के वेरी गुड पर्सन इन शुगर कि जो इसको देख सकते हैं डायबिटीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर उसमें से भी मोर स्पेसिफिक पर्सन है देन उसको उससे मैं हेल्प लूंगा। इसी तरह जब आपने अपनी फील्ड को नैरो डाउन करना है देन यू विल फाइंड कि यार अच्छा मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है या मैं वेबसाइट डेवलपर बनना चाहता हूँ, अब आपकी जो स्किल है वो नैरो डाउन हो गई एंड यू हैव टू फाइंड वेबसाइट डेवलपर्स जो ऑलरेडी हैं ताकि हम उनसे मदद ले सकें ना, उनसे हेल्प ले सकें, टीचर ऐसे फाइंड करने, कोर्सेज ऐसे फाइंड करने जो आपकी स्किल सेट से मैच करते हैं, ऐसे ही है ना, फिर किसी की बात मान के फिर अपने पाथ को चेंज नहीं करना, कोई भी पाथ डिसाइड कर लें मैं फंसा नहीं है, उस पाथ के अंदर लेटेस्ट चीजों का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आप ओल्ड टूल यूज करेंगे तो अगर आप वेबसाइट डेवलपर बन भी गए और आप ओल्ड टूल यूज करते हैं देन इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड द वर्क एंड एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि पुरानी चीजों में तो ऑलरेडी बहुत हजारों के लोग साथ से लोग काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू स्टडी न्यू थिंग्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ। सही है, तो आई होप के मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि आप लोगों को क्या करना है और आप क्या करना चाहते हो। अब एक तरह से ये जो हम आगे स्टडी करेंगे इट विल बी अ टेस्ट रन फॉर यू, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है टू बिकम अ सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपर, तो फिर आपने इसको लॉक कर देना, लाइक दिस लाइक मैं अब इसको करियर वगैरह नहीं छोड़ूंगा, देन यू हैव टू स्टडी
all of these tools ताकि आप एक अच्छा software developer बन सकें and to achieve something well. All good. एक्चुअली पाइथन विल बी ऑन द बैक एंड साइड अगर हमने करना है तो वो उसमें जा सकते हैं बट इफ यू हैव सम इंटरेस्ट ऑन द बैक एंड तो अच्छा आपने किया क्योंकि एआई इंटीग्रेशन है तो ये पाइथन से होती है तो पाइथन विल बी इन द बैक एंड तो अगर आप बैक एंड का डेवलपर बनना चाहते हैं यू कैन गो विद दैट इवन हम बैक एंड और फ्रंट एंड भी कर सकते हैं फ्रंट एंड के टूल भी सीख लें और पाइथन भी बैक एंड में सीख लें तो हम दोनों को मिक्स करके भी चला सकते हैं हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे TypeScript, TS लिखा है ना मैंने, TS CS भी कर सकते हैं but TS TypeScript is good noun language. Backend में Python है या TypeScript है ये भी चूंकि TypeScript इधर सीख ली है तो इधर एक भी TypeScript भी है JavaScript भी होगी TS या JS या फिर तीसरी जो है वो जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया है Python भी सीख सकते हैं वो भी मॉडर्न लैंग्वेज में आ रही है तो इनमें से TS, JS, Python कुछ भी कर लें तो उससे भी हमारा बैकएंड कवर हो जाएगा फ्रंट एंड के अंदर जो लैंग्वेज है वो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट होगी अभी मैंने इनकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं किया आई जस्ट ड्रा वेरी सिंपल और जो बात समझ में आ जाए अब बाकी आप लोग फिर मतलब जब स्टडी करेंगे हम फर्दर और चीजें निकालेंगे बीच में से फिर आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी बट इट विल बी अ मतलब के फर्स्ट टेस्ट रन कि आप डिसाइड कर सकेंगे व्हाट विल बी योर फ्यूचर सही है और किस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है एनी अदर क्वेश्चन फिर हम अपना एक्चुअल काम शुरू करते हैं ये भी थोड़ा सा इसमें भी इंटरेस्ट डिपेंड करता है अगर किसी का एआई वाली साइड पे इंटरेस्ट है तो यूज पाइथन अगर किसी का प्योरली वेबसाइट और मतलब APIs बनाने में इंटरेस्ट है तो वी कैन यूज टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट वेरी सिंपलर है बट अगर आप एआई में जाना चाहते हैं और एआई में रिसर्च करना चाहते हैं देन पाइथन विल बी मोर नहीं इसमें फ्रंट एंड में से भी जस्ट फॉर फर्स्ट टूल इट्स नॉट एवरीथिंग क्योंकि ये सारा जो मैंने लिखा है इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर ऑफ कोर्स अगर हम सब कुछ करें तो अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो सेपरेट कोर्स है उसमें आपको आना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और अगर आपने इसमें जस्ट फर्स्ट टूल HTML एंड CSS फर्स्ट टू टूल नहीं इट इज जस्ट एन वेब डिजाइन कोर्स टाइम लगेगा ना शायद 2 मंथ उन्होंने मुझे दिए हैं तो टाइम इज वेरी लिमिटेड आरडी भी है ये सारा कोर्स भी है और लिमिटेड भी है इसमें जितनी टेक्नोलॉजी मैंने मेंशन की है वीडियोस ऑलरेडी देयर अगर आप सुनना चाहते हैं तो बजा बट एक फ्लो में सुनेंगे ताकि आपको बात समझ आए उसके अलावा भी जो क्वेश्चन फिर हम आगे स्टडी शुरू करें ऑल क्लियर है तो अभी समझो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं और फ्रंट एंड के अंदर भी जो उसके फर्स्ट 1-2-3 टूल हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बट इन द फ्यूचर वी कैन एक्सपेंड मोर और उसमें और टूल्स ऐड करते जाएं सीखते जाएं सारे करने ये मैंने लिखे ही लिमिटेड है ऐसे टूल तो हजारों हैं तो हमने सिर्फ वो लिखे हैं जिनको हम फिक्स करना चाहते हैं मतलब बीमारियां तो हजारों हैं हम किसी एक बीमारी का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका हमने उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो लिख ली बट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं टूल्स भी बहुत सारे हैं लाइक वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे PHP है .NET है जावा है बहुत कुछ है बहुत तरह से हजारों तरीकों से वेबसाइट डेवलप हो सकती है तो हम जस्ट राइटिंग डाउन के नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हैं अगर आपने फ्यूचर का सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको इन टूल्स से गुजरना पड़ेगा देयर इज नो अदर चांस टू डू दैट मतलब ये हम मैं क्यों कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे
उन मेंटोर को सुन के जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए कि मार्केट इस तरफ जा रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये टूल्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं यूज करने हैं। अदरवाइज टूल तो बहुत ज्यादा है और बहुत सारा कुछ हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने इसको सिर्फ स्पेसिफाई करा टू बिल्ड अ वेबसाइट या नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट। तो अगर आप मेजर टूल डिस्कस करो तो डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट जीएस, जो हमें सीखनी है टू अंडरस्टैंड वेल कि हम वेबसाइट बना सकें, लेकिन बाकी की सारी चीजें करेंगे तो फिर ही नेक्स्ट जीएस समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सही है?